दीदी दीदी मुझे चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बताओ ना। इंटरेस्टिंग। हाँ छोटी, मैं तुम्हें बताऊंगी चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 हमारे भारत का ऐतिहासिक समय था। 14 जुलाई 2023 को यह आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से छोड़ा गया। ओ दीदी, वो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे दीदी देखो ना, अपने झंडे कितना तेज तेज लहरा रहा है। हाँ छोटी, हमारी पृथ्वी से जब चंद्रयान 3 गया था तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। देखो ना, मून भी अपना कितना सुंदर है, कितना। दीदी आज फ्रेंड्स, आपको पता है कि साइंटिस्ट ने कितनी मेहनत की? नहीं, हमने मेहनत नहीं की, बल्कि साइंटिस्ट ने मेहनत की। हम तो बस पढ़ाई करते हैं और बड़े होने का सपना देखते हैं। हम भी बन के रहेंगे बड़े, बड़े होके हम भी कुछ बने के दिखाएंगे साइंटिस्ट की तरह, है ना फ्रेंड्स? मेरे को तो साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट देखो ये कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ओ माय गॉड, उनके चेहरे पे कितनी खुशी है। आपको पता है अभी बस थोड़ा बहुत वर्क बचा है चंद्रयान 3 का, उसके बाद चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। देखो इनके चेहरे पे कितनी खुशी है, क्योंकि इनका चंद्रयान 3 अब बन चुका है। ये छोटी, तुमने तो चंद्रयान 3 के बारे में बहुत अच्छे से बताया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओ थैंक यू दीदी। तुम्हें पता है चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 kg था। ओ वाव, और आपको एक और बात पता है, 200 स्टूडेंट स्पेस सेंटर पर देखने पहुंचे थे। हाँ, और वहाँ पर हजारों लोग मौजूद थे यह देखने के लिए। हाँ दीदी, कि हम गिन भी नहीं सकते थे। चंद्रयान 3 पता है क्या काम करेगा? वह चंद्रमा की सतह पर जाकर वहाँ के वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स की टेस्टिंग करेगा। ओ दीदी, वो तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है मेरे को भी मन हो रहा है उस चंद्रयान 3 में चुपके से जाके बैठ जाऊं और मून पे लैंड कर जाऊं। देखो तो सही, अपने भारतीय लोग कितने खुश हो रहे हैं। हाँ, झंडा लहरा रही हूँ मैं दीदी, देखो। आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से यह चंद्रयान 3 छोड़ा गया था। हमारे भारत के इसरो कंपनी द्वारा, जो साइंटिस्ट की एक अनुसंधान केंद्र है, वहां से यह छोड़ा गया था। दीदी वो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को इतनी खुशी हुई है कि मैं क्या करूं। ओ दीदी देखो, लोग कितने खुश हो चुके हैं क्योंकि चंद्रयान 3 कब का निकल चुका है। वैसे दीदी आपको पता है इसकी गैसेस हार्मफुल की होती है? क्यों? क्योंकि जब ये तेजी से जाता है तो अगर हमें इसकी हार्मफुल गैसेस पड़ गई तो हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। नहीं छोटी, इसमें पूरा साइंटिस्ट द्वारा ध्यान रखा जाता है, और एक डिस्टेंस पर जो है वो स्टूडेंट्स और जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उन्हें बैठाया गया था। हाँ दीदी, ये अपना झंडा कितना अच्छा लग रहा है लहराते हुए। ये मैं इतनी खुश कभी नहीं हुई हूँ। ओ हाय फ्रेंड्स, हाय टिया, हाय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा देश है ये मेरा, है मेरा सारे जहां से अच्छा। प्लीज अगर आपको ऐसी ही और मजेदार मजेदार स्टोरीज देखनी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर माय चैनल।